हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फाइनल। आज मैं आपको वेजिटेबल रायता बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी है ये और बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए आपको ना गैस की ज़रूरत है, ना इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मसाले भी कुछ नहीं चाहिए। और ये बहुत हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियाँ यूज़ नहीं की हैं, मैंने इसमें 2-3 सब्जियाँ यूज़ की हैं। मैंने इसमें प्याज, टमाटर और खीरा और धनिया यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं या आप कम भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड करके बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वेजिटेबल रायता बनाना। इसके लिए मैंने ये एक खीरा लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये एक टमाटर है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये हरा धनिया, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 हरी मिर्ची है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, वरना हरी मिर्ची रायते में बहुत अच्छी लगती है। और ये एक प्याज है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और आपको थोड़ा सा सफ़ेद नमक चाहिए, जो नॉर्मल नमक होता है, वाइट सॉल्ट ये, और थोड़ा सा काला नमक और दही। ये मैंने यहाँ पे 500 ग्राम दही लिया है। तो आइए रायते को बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने दही को अच्छे से मैंने ये ब्लेंड कर लिया है। आप हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर सकते हैं या आप फोक से भी इसको थोड़ा सा पानी मिला के इसमें आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी, जैसे अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप कम पानी डालिए। मैंने ये देखिए थोड़ी रनी सी है इसकी कंसिस्टेंसी है, मैंने इस तरह से करा है इसको। अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। ये एक प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। ये मैं खीरा डाल दूंगी इसमें, हरी मिर्ची, धनिया और टमाटर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें वाइट सॉल्ट डाल रही हूँ और मैं 1/2 टीस्पून ही इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। इसमें ब्लैक सॉल्ट का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको ज़रूर डालिए। और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, और आपको जो भी पसंद है पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी सब्जी पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें अपने पसंद के फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक एप्पल ऐड कर सकते हैं आप इसमें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये इसे देखिए, मैंने टमाटर और जो हरा धनिया डाला है, कितना सुंदर लग रहा है ये वाइट कलर में। ये ग्रीन और रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, तो आप ये ज़रूर डालिए इसमें। मैंने इसमें सारी सब्जियां अच्छे से डाल के मिक्स कर दी हैं। मैंने इसमें ज़्यादा सब्जियों का यूज़ नहीं किया है, 2-3 सब्जियों का ही यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियां कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, और जो आपको नहीं पसंद है वो आप इसमें से हटा भी सकते हैं। तो ये रायता एकदम रेडी है। आप इसको इसी तरह से खाइए, इसमें आपको कोई भी तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से इसको खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। आप कोई भी ड्राई सब्जी हो या पनीर की सब्जी हो उसके साथ आप इसको सर्व कीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए अपनी किचन में और ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। और अगर आपको मेरे रायते की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल का बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको जो भी लेटेस्ट मेरे वीडियो हैं वो आपको आपके पास पहुंच सके। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।